हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ। अपने इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम इस संगरोली के होटल अगंतुक से। और मैं यहाँ पे स्टे किया था मैंने, और मैं संगरोली सुबह आया था अराउंड 12 बजे के आसपास। उसके बाद मेरी ट्रेन है यहाँ से, वो ट्रेन बताऊँगा स्टेशन पे। फिलहाल ये होटल है, बहुत ही अच्छा सा होटल है ये। आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, और ये अपना लगेज रखा हुआ है यहाँ पर। तो इस साफ सुथरा सा होटल है, और मैंने नॉन एसी लिया था कि मुझे रात भर रुकना है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें कूलर लगा हुआ है तो मौसम यहाँ का ठंडा ऐसे ही है। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, अगर आप लोग कभी सिंगरौली काम से आते हैं या फिर घूमने आते हैं। हालांकि यहाँ पे घूमने जैसा कुछ है नहीं, हालांकि आ भी सकते हैं, फिर भी आप किसी भी काम से आते हैं, अगर आपको स्टे करना हो तो होटल का नंबर और लिंक एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब अपने आप ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं, और मिलता हूँ आपसे सीधे सिंगरौली रेलवे स्टेशन पे। और अभी मैं हूँ फिलहाल सिंगरौली रेलवे स्टेशन पे। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया सिंगरौली को कहते हैं, सिंगरौली। यहाँ से आज अपनी जर्नी होने वाली भोपाल के लिए। तो ट्रेन तो दो ही एक ही ट्रेन चलती है, जो हफ्ते में 2 दिन चलती है। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पर, फिर बताता हूँ ट्रेन कौन सी है और सिंगरौली के बारे में बात करते हैं। अगर आप कभी सिंगरौली आते हैं ना यहाँ से, तो सिंगरौली में आपको कोयले बहुत दिखेंगे। सिंगरौली पूरा हब है कोयलों का, यहाँ के कोयले बाहर भी जाते हैं देश के, और इलेक्ट्रिसिटी हब भी कहते हैं सिंगरौली को। तो आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे सारा स्टेशन, चाहे वो फर्श हो चाहे यहाँ की हवा हो, सब कुछ काली काली ही नज़र आएगी आपको। और देखिए पीछे कोयले का काम हो रहा है। तो ये सारी होगी सिंगरौली की बातें। और जो इस कोई मेरा सब्सक्राइबर सिंगरौली से, उसको बताइएगा कि वो सिंगरौली में क्या ऐसे कवर्स करके चलते हैं, क्योंकि मैं जब सुबह आया था मेरा पूरा हाथ, इतना एनवायरनमेंट में कोल उड़ रहा है ना यहाँ पे, तो पूरा हाथ ही काला हो गया था। तो आप बताइएगा कैसे करते हैं आप लोग। मैंने कहा था कि आप सिंगरौली पे कहीं भी बैठोगे ना आप, तो ये चीज़ चेक कर लेना एक बार आप, मतलब यहाँ के हवा में ही कोयला है, इतना ही कोल यहाँ पर बनता है। दोस्तों आज की अपनी ट्रेन है 22166 सिंगरौली से खुलकर भोपाल की भी चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि सिंगरौली से हर मंगलवार और गुरुवार को खुलती है, मात्र 2 दिन चलती है हफ्ते में। ये ट्रेन सिंगरौली से लगभग 12 घंटे 10 मिनट बाद, सिंगरौली से खुलकर 12 घंटे 10 मिनट बाद आपको भोपाल पहुंचा देती है। ये ट्रेन सिंगरौली से शाम को 7 बजे खुलती है, और अगले दिन सुबह में आपको 7:10 पर आपको भोपाल पहुँचा देती है। ये ट्रेन सिंगरौली से 660 किलोमीटर दूरी कवर करने के बाद भोपाल पहुँचती है 11 हॉल्ट के साथ, और एवरेज स्पीड रहती है इस ट्रेन की 56 KMPH, और मैक्सिमम स्पीड रहती है 110 KMPH। ओवरऑल बहुत ही अच्छी जर्नी होती है, क्योंकि ये जो रूट कवर करती है ना, मतलब सिंगरौली से भोपाल, बहुत ही कम ट्रेन है, लेकिन काफ़ी रस रहता है इस ट्रेन में, आपको सीटें अवेलेबल नहीं रहती हैं। ये ट्रेन ICF CVC रेक्स के साथ चलती है, लेकिन आज फिलहाल उत्कृष्ट कोच लगे हुए हैं इसमें, और 6 डब्बे इसमें जनरल क्लास के हैं, 10 स्लीपर के, 2 थर्ड AC क्लास का, और 1 फर्स्ट AC कम सेकेंड AC। तो इसमें सेकेंड जो क्लास है ना, जनरल क्लास, उसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन नहीं होती है, अब आपको काउंटर से टिकट मिल जाएगा जनरल क्लास का। और हाँ, सबसे बड़ी मेन बात, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो अपना खाना पीना साथ लेके चलें, क्योंकि ना इस ट्रेन में ई कैटरिंग है, ना इस ट्रेन में पेंटी कार है। ऑनबोर्ड कैटरिंग सुविधा है, लेकिन पता नहीं कहाँ मिलेगी। तो अपना जो डिनर है ना, क्योंकि आप रात की ट्रेन है, 7 बजे बाद डिनर ही होगा, तो अपना डिनर साथ लेके चलें इस ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो। और अभी 6:26 हो रहा है, अभी भी इस ट्रेन को खुलने में 34 मिनट्स बाकी है। तो अब मैं आपसे सीधे मिलूंगा इसके डिपार्चर पे। अपनी सीट होने वाली है 7 नंबर साइड लोअर, और मैंने बताया था आपको इसमें यात्रा करने वाला स्लीपर क्लास में, तो ये स्लीपर क्लास का इंटीरियर। और फिलहाल अभी अपनी ट्रेन को चलने में 28 मिनट बाकी है अभी भी। अब मैं फटाफट आपको इस ट्रेन के किराए के बारे में बता दूँ। सिंगरौली से भोपाल अगर आप जनरल क्लास या सेकंड सिटिंग में यात्रा करते हैं, तो उसका किराया है 210 रुपये, और आप वहीं स्लीपर क्लास जिसमें मैं यात्रा कर रहा हूँ उसमें यात्रा करते हैं, तो उसका किराया है 345 रुपये। अगर आप थर्ड सी क्लास में यात्रा करते हैं ना इस ट्रेन से, अगर सिंगरौली से भोपाल, तो उसका किराया है 945 रुपये के आसपास। सेकेंड AC कम फर्स्ट AC क्लास का भी कोचेस है, जिसका किराया है सेकेंड AC का 1320 रुपये, और फर्स्ट AC का है 2210 रुपये के आसपास। तो इन किराए में ऊपर नीचे हो सकता है, तो जब बुकिंग करेंगे तो आपको कंफर्म पता चल ही जाएगा। फिलहाल ये था इस ट्रेन का किराए की जानकारी, और रूट भी इसका कुछ अलग ही है। इस रूट पर मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इस ट्रेन में पहली कभी ट्रैवल किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका रूट कौन सा है, आप कहाँ से कहाँ इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं।
लाइटिंग तो है ही नहीं यहाँ पे। समय से करीब आधा घंटा की देरी से हम आ चुके हैं बरगवा BRGW स्टेशन कोड। दो प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 18 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। ना कोई ट्रेन यहाँ से बनती है और ना कोई ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है। एक्चुअली दो ही मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। और यहाँ से काफ़ी रश चढ़ती है इस ट्रेन की, आप पीछे देख ही रहे हैं। तुम्हारे अगल बगल कोई सिंगल आदमी है? ये आ गए हम इस ट्रेन के वॉशरूम में। और मिरर बिल्कुल गंदा है, छोड़ दीजिए। वेश बेसिन है, पानी आ रहा है और नीचे बिल्कुल ही गंदा है, क्योंकि जब ये ट्रेन भोपाल से आई थी ना, तो इसका मेंटेनेंस बिल्कुल हुआ नहीं है। आज ही भोपाल से आई थी, आज ही जाती है, तो मेंटेनेंस हुआ नहीं है, तो सब कुछ गंदा ही है। तो एक्चुअली स्लीपर क्लास की प्रॉब्लम होती है। तो मिलता हूँ आपसे अगले हॉल्ट पर, जहाँ पर भी रोशनी ज़्यादा हो और हॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो। सिंगरौली से 101 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक घंटा की देरी से हम आ चुके हैं मरवास ग्राम। स्टेशन कोड MWJ। दो प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 14 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। कोई ट्रेन यहाँ से ना ही बनती है ना यहाँ पे समाप्त होती है। बस, और यहाँ पे मात्र एक मिनट का हॉल्ट है अपनी भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। स्टेशन पर लाइटिंग ना होना तो मज़ा नहीं आता है वैसे ब्लॉगिंग करने में। और ये रूट ही ऐसा है, इसमें कटनी मुरवारा तक ऐसे छोटे छोटे स्टेशन है, लेकिन इस पर लाइटिंग बिल्कुल ही नहीं है। और प्लेटफॉर्म देख लीजिए, पूरा खुला सा प्लेटफॉर्म। इधर खेत दिख नहीं रहा कुछ आप लोगों को, आवाज़ सुन के ही बताइएगा। मैं जैसा पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, तो आपका रूट कौन सा है, आप कहाँ से कहाँ इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं? क्योंकि ये तो मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। समय से करीब एक घंटा 40 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं ब्योहारी। और कोई ब्योहारी से बताइएगा इसका क्या फेमस है, और आप लोग बताइए यहाँ पे कितनी ट्रेनें हॉल्ट करती हैं और कौन सी फेमस ट्रेन यहाँ से गुजरती हैं। फिलहाल मैं हूँ ब्योहारी में, एक घंटा 40 मिनट की देरी से आई है और यहाँ पे ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बीना। 6 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, 176 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 14 ट्रेन यहाँ से बनती हैं और 14 ट्रेन यहाँ पे अपनी यात्रा समाप्त करती हैं बीना जंक्शन से। और बीना जो है अपनी जर्नी का 10वां हॉल्ट था, और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और अपनी ट्रेन आई है लगभग आधा घंटा डिले से, और अभी बज रहा है 5:05 सुबह सुबह का वक्त। देख लीजिए बीना रेलवे स्टेशन। Thank you.
ढाई घंटा की चल रही है और हल्का हल्का मॉर्निंग वॉर्निंग भी चल रहा है। अब मैं आपको सीधे मिलूँगा। समय से करीब एक घंटा 40 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं गंज बसौदा स्टेशन कोड BAQ। यहाँ पे चार प्लेटफॉर्म है, 58 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से बनती है और ना ही कोई ट्रेन अपनी यात्रा यहाँ पे समाप्त करती है। और गंज बसौदा को वासुदेव नगर भी कहते हैं। और कोई है गंज बसौदा से तो बताइएगा, और क्या चीज़ फेमस है आपकी इस नगर में। सिंगरौली भोपाल इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस का गंज बसौदा में 2 मिनट का हॉल्ट है। और रात में मैंने कटनी मुड़वार मिस कर दिया था, नींद आ गई थी एक्चुअली। तो अभी फ़िलहाल कोशिश करूँगा इसके आगे के सारे स्टेशन दिखाने की कोशिश करूँ, एक दो और रह गए हैं। तो मिलता हूँ अब इसकी यहाँ से डिपार्चर पे। सौ किलोमीटर दूरी तय करने के बाद सिंगरौली से अब हम आ चुके हैं विदिशा स्टेशन कोड BHS। चार प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 89 ट्रेनों को यहाँ पे हॉल्ट है। ना कोई ट्रेन यहाँ से बनती है और ना कोई ट्रेन यहाँ पे अपनी यात्रा समाप्त करती है। और विदिशा में फेमस है उदयगिरी की गुफाएँ और माला देवी का मंदिर। तो विदिशा से ही वीडियो देख रहा है तो बताइएगा कैसी जगह है वो, आप अगर वहाँ पर विजिट किए हैं तो। और यहाँ पर इस भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस का 2 मिनट का हॉल्ट है। छः सौ 60 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन भोपाल। 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 213 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। 20 ट्रेन यहाँ से बनती है और 20 ट्रेन यहाँ पे अपनी यात्रा समाप्त करती है। फिलहाल अपनी ट्रेन आई है लगभग 1.5 घंटा की देरी से। तो आज का ब्लॉग, अब इस ट्रेन का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र है ना तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आई डी आ रही होगी, यहाँ पर विक्की जजीरोन मेरी इंस्टाग्राम आई डी है, वहाँ पर आइए बातें करते हैं साथ में। मैं अपने जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस ओवरऑल गुड था। बाथरूम थोड़े से क्लीन नहीं थे तो फिर भी अच्छा ही था। तो यही थी आज की अपनी जर्नी। आपको बस इस ट्रेन में खाने पीने की बहुत ही दिक्कत होने वाली है, वेंडर्स कोई भी आते नहीं तो पानी खाना सब साथ लेके चलना पड़ेगा आपको। तो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।